सरना केंद्र कपूरथला असी 1983 बनाई सी 1966 असी सहसभा दोनों सहसभा लांबड़ा दोनों सहसभा कलार 1972 जो पाकिस्तान साड़ी जंग चल रही सी ते उस रात जो बंब चल रहे ते साड़े मुशायरा हो गया सी पंडित डॉक्टर जगतार नाही रहम इन्ह समावान काम करद महसूस होया जो दूर साहब दस के गए कि बंदे उस वेल का समा नहीं होना चाहिए वेले समय चर काम करने चाहिए वो जो काम करते हो तुम अपने आप को इन्ना मगन कर लेने हो इन्ना लोगों के नेड़े रह जाने हो प्रकृति के लागे रह जाने हो कि तुम आप ही सीखते हो तो लोगों को भी सिखाओगे
कि जवाब कोई ज्यादा औखा नहीं है, समझ आती है कि लोड़ इस करके है क्योंकि साडे भारतीय समाज दे विच खासकर पिछले कई दहाकों दो तीन दहाकों के उत्ते खासकर एक निखार आ समाज दे विच करप्शन सिनिसिज़म पोलिटिकल लैवल दे उत्ते धार्मिक लैवल दे उत्ते समाजिक लैवल दे उत्ते लोगों के एटीट्यूड्स दे लैवल दे उत्ते लोगों दी चॉइसिस दे लैवल दे पर इहदा जवाब देने तो पहले मैं थोड़ा एक दो गल्ला होर सांझियां करना चाहुंदा। वो ये है कि जिहड़ा इस वेले दा साडा एजुकेशन दा सिनेरियो है, जिस सारा एजुकेशन दा सिनेरियो देखिए सारी दुनिया दे लैवल ते देखिए या खास करके भारतीय लैवल दे उत्ते देखिए ते साडे समाज दे उत्ते बहुत वड्डा प्रैशर है। प्रैशर यह है कि असीं दुनिया दे नाल अपने आप नूं कंपीट किस तरह करदे हां। असीं कोई आइसोलेटेड सोसाइटी ते है नहीं, इह ते है नहीं कि सिर्फ असीं कल्ले कल्ले हां ते दूसरी दुनिया जिहड़ी है ओह वक्री है। यह पार्ट ऑफ वर्ल्ड और उस सारी दुनिया दे विच जिहदा असीं हिस्सा हां उहदे विच इक इन्ना जबरदस्त कंपीटिशन पैदा हो गया कि सारी दुनिया के जेडे सारी जी कौम ने मुल्क के वो एक अपने अपने मुल्क के जी लीडरशिप है एक कहते हैं नॉलेज सोसाइटी बनाने के चक्कर के ऐसे एक नॉलेज इकोनॉमी तैयार करते हैं। हम जे भाई असी नॉलेज इकोनॉमी तैयार कर नॉलेज सोसाइटी तैयार करनी है जिस सारी ज्ञानवान सोसाइटी तैयार करनी है ते वो ताही तैयार हो सकती है जे साडे कोल एक एहो जिहा ज़खीरा होवे एहो जिहा पूल बने साडे कोल जिहदे विच उस इकोनॉमी नूं बनाउण वाले लोग टीचर्स टैलेंट पूल जिहनूं कहिंदे कि चंगा टैलेंट पूल जो साडे कोल होए तो तां ही असीं नॉलेज इकोनॉमी बना सकते हैं अदरवाइज असीं नहीं बना सकते। ते ओह तां ही पॉसिबल है कि जे असीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिहड़े दुनिया के बाकी इंस्टीट्यूशन के नाल कंपीट कर सकन, जे असीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन डेवलप करें ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਸ ਉਹ ਪੂਲ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ पहली गल तो यह है कि एजुकेशन सिस्टम वो है जिहड़ा कि 1854 दे विच जिसका करार होया सी और जिहदी नीति 1835 च तैयार हुई सी। मैं उस दे विच ते नहीं जावांगा पर इन्ना जरूर कहांगा कि जिहड़ा ढांचा जिहड़े इत्थे इतिहास दे विद्यार्थी नूं जाणदे होणगे 1855 और वो नीति बिल्कुल इन बिन किसी ना किसी फॉर्म के विच पूरी चली जा रही कोई बता ओदे नाल जिहड़े साडे इत्थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने वो वक्खोखरी तरह दे वक्खोखरे पैटर्न दे चलदे पए
सीबीएसई का कोई पैटर्न हो रहा है, आईसीएसई का पैटर्न हो रहा है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का पैटर्न हो रहा है। तो जे असी तीनों पैटर्न देखिए तो उन्होंने स्कूलों की ग्रेडिंग भी आपस में वक्त वक्त नहीं, कल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की देख लीए गवर्नमेंट स्कूलों का म्यार हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने म्यार हो रहा है। असं करते कि पाए जो यूनिवर्सिटी लैवल के उत्ते आ गई है तो हूँ सुख न प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गई, सरकार अपना हथ जो एस्टैबलिश की यूनिवर्सिटिया यूनिवर्सिटीज ने सरकार अपना हथ उन्होंने खींच रही हैं। असं करते कि पाए एक पास तो असी नॉलेज इकॉनमी तैयार करने की गल करते पाए, दूसरे पास असी जो पैटर्न ने एजुकेशन के पैटर्न ने मल्टीप्लिसिटी पैदा करी जाते हैं। डॉक्टर राधा शर्मा जी प्रेसिडेंट इस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी के एंड प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर सुजीत कुमार प्रिंसिपल कॉलेज के और मेरे स्टूडेंट भी ने और अपनी भी ने डॉक्टर परमजीत कौर जिन्हों के सदर उत्ते मैं आज पहुंची और इसके अलावा मेरे कलीग्स टॉपिक मेरे को गया कि यूजीसी ने एक वर्कशॉप थोड़े कॉलेज में असाइन की है जिड़ी कि वैल्यूज से है और ह्यूमन वैल्यूज की जगह प्रमोशन की नहीं की जा सकती। तो मेरे मन में यह ख्याल आ रहा सरकार का कि ये प्रमोशन करने का ख्याल जड़ा पहली बार आया कि साड़ी थिंकर्स ने पहला भी ये उत्ते कोई सोच विचार करी किसी वेले की है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पंजाब इतिहास के विच ही काम करती हाँ, इसलिए पंजाब इतिहास के उदाहरण लगना कोई बहुता औखा नहीं सीगा। सो मैं पंजाब जो चाकरी मारी तो मैं लग्या कि 19th सेंचुरी पंजाब एक ऐसा पीरियड है जिदे विच वैल्यूज कदर कीमत की गल पहले भी चुकी गई सी, तो बेहतर है कि अपने परस्पेक्टिव तो बच्चों को दसिया जाए कि इन वैल्यूज के प्रमोशन की गल कोई नवी गल नहीं हो रही। असं देखते हाँ कि समाज के वैल्यू कदर कीमत समाज की तब्दीली के नाल समय के बदलते बहाव के बदल दिया जाए, लेकिन तू वैल्यू कहने और उस परसनैलिटी असं गुड परसनैलिटी कहने, क्योंकि जो अभी गुड परसनैलिटी कहने कभी भी साढ़े मन में यह ख्याल नहीं आता कि सिर्फ फिजिकली खूबसूरत होने ही गुड परसनैलिटी होगी। गुड परसनैलिटी के सारिया चीज़ों का मिश्रण होंगे और साड़ी एजुकेशन जी है या UGC जी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन की वो अब इस बारे विचार कर रही है। तो पहला सवाल उठता है कि इस लिए विचार करने की लोड़ क्यों है? डॉक्टर रवि शर्मा ने बड़ी चंगी तरह तुहानू दसन दी कोशिश की है कि किस तरह के अलग अलग इदारे चल रहे हैं, अलग अलग परस्पैक्टिव के नाल असीं एजुकेशन दे रहे हैं। जे असीं टैक्नीकल वाल झुकने तो टैक्नीकल भी झुक जाते हैं, टैक्नीकल वाली जे असीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पैदा करने तो प्राइवेट वाली झुक पाने, तो सानू कोई एक जिहड़ी है सुमेल जिहदे च सारियां गल्लां दा होवे उस किस्म की एजुकेशन की लोड़ है। और UGC का भी हुण इही एफर्ट है कि इस तरह की एजुकेशन के उत्ते इंस्टीट्यूशन को अवेयर कराया जा सके ताकि इस किस्म के कोर्सिज जो स्टूडेंट्स लिए स्टूडेंट्स को दसन वास्ते भी कोर्सिज बना जिन्हों के नाल सोशल नीड बेस्ड एजुकेशन जी पैदा की जा सके। सो जे असी सोशल नीड बेस्ड एजुकेशन की गल करते हैं तो सवाल मेरा है फिर 19th सेंचुरी पंजाब पर जाता है, क्योंकि 19th सेंचुरी पंजाब के एक बहुत चेंज वाला समा से जिद सवाल कदर कीमत उठे से जो 1849 जरा अनैक्स कर लिता गया ब्रिटिश ने डलहौजी की पॉलिसी के एक हिस्से अनैक्स कर लिता गया, तो ब्रिटिश ने जो इंट्रैक्ट करना शुरू किया
उन्होंने साड़ी सभ्यता साड़ी कल्चर को देखा और फिर उन्होंने उसके विच किंतु परंतु करने शुरू कर दिए क्योंकि वह पश्चात सभ्यता या पश्चात कल्चर के बदे फुले इंसान से और बहुत शक्तिशाली से उस असी उन्होंने सामने कुछ भी नहीं पूरा हिंदुस्तान जितने तो बाद पंजाब तक पहुंचे से और इन्नी तरक्की याफ्ता मुल्क जड़ा वो साढ़े उत्ते आके हावी हो गया इस करके नहीं कि उन्होंने कदर कीमत या मैनर्स या तरीके साढ़े तो ज़्यादा वधिया से नहीं क्योंकि उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की ना तरक्की कर लेते जी तरक्की साढ़े लोगों को उस वे नहीं सी तो साड़ी जी परवरिश पई पई सी पंजाबी कल्चर की परवरिश तो पैदा हुए जो इंसान उन्होंने जो इंट्रैक्शन वैसटर्न कल्चर वाले लोगों ना हुई तो वह कुछ कॉन्शियस हो गए उन्होंने सोचना शुरू कर दिता कितने असं इन्हों तो पिछे रहने कुछ कॉन्शियसनैस करके भी हो गए कि ब्रिटिश ने उन्होंने बड़ा कॉन्शियस कराया कि वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिदे अद्धे तो ज़्यादा पॉपुलेशन जी है उसके नाल या कास्ट बेस से वितरा किया जाता है और या फिर उन्होंने वुमेन होम करके वितरा किया और इस बारे उन्होंने बार बार साडे थिंकर्स नूं कॉन्शियस करवाया समाज सुधारकों नूं कॉन्शियस कराया जैसा कि तुसीं जेम्स मिल बारे सुनिया होगा जेम्स मिल अपनी थां ते कहिंदा है बड़ी सोहनी गल कहिंदा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखता उहदे विच कहिंदा है कि अ रूट पीपल अमंग रूट पीपल द वुमेन आर जनरली डीग्रेडेड Among civilized people, they are exalted, right? जेड़े तो लोग जेड़े ने उन्नत ने उन्हां विच औरत दा सत्कार हुंदा और जेड़े लड़कियां नूं सी ख्यालां दे ने उन्हां च औरत दा सत्कार और दी पोजीशन जेड़ी ने ओह सबॉर्डिनेशन दी रह जांदी तो इस बारे बार बार उन्हां ने साडे सुधारकां नूं जागरूक कराया इह नहीं कि साडे सुधारक पहले जागरूक नहीं सी इह आवाज़ जेड़ी है इस तो पहला 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने उठाई है लेकिन उन्होंने धार्मिक तौर पर उठाई है सामाजिक तौर पर उत्ते उन्होंने अपने पंथ को आगे बढ़ाया भी और गुरुआ ने योगदान भी पाया लेकिन इस तो बाद है जो हम इंटेलीजेंशिया जिन्होंने अभी कहने पढ़े लिखे लोग उन्होंने ब्रिटिश के आने तो बाद यह सोच विचार दोबारा तो करनी शुरू कर दी कि साड़ी सभ्यता कितने कमियां रह गई ने किड़िया कदर कीमत कमियां ने जिन्होंने दोबारा तो रीथिंक करन दी रीकंस्ट्रक्ट करन दी जरूरत है इसे नाले टेक्निकल सेशन टू इतने समाप्त होता है कल असं पूरे 10:30 बजे इतने दोबारा एकत्रित होवे कल दे दो सैशन हो गए पहले सैशन के डॉक्टर प्रवीण डॉक्टर सीमा तो दूसरे सैशन में मिसिज कविता विच मिसिज रामा तो डॉक्टर अंजना ये अपने विचार वगैरह साझे करेंगे कल 10:30 बजे इसे हाल दोबारा धन्यवाद साज मिस्टर प्रवीण जी का मिनी गेंद दो मुख बनता हैं मैडम सब तो पहला मैं सत्कार योग प्रधान सर मैडम प्रिंसिपल ता मुख मेहमान जो सजाते मेन गेस्ट आए हुए हैं ता विद्यार्थी साथी विद्यार्थी जेरे मेरे प्यारे विद्यार्थी अज जे साढ़े को डीएवी कॉलेज तो मिस्टर प्रवीण जी आए हुए हैं सब तो पहला वो अपने विचार पेश करेंगे और मिस्टर प्रवीण जी डीएवी कॉलेज के बतौर फिलोसफी के हेड वजो जे अपनी जी सेवा निभा रहे हैं वो ईएमए दे एक्स्ट्रा मॉरल एक्टिविटीज़ के मैंबर बहुत साल तो काम कर रहे हैं इन्होंने एम ए फिलोसफी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो गोल्ड मैडल लैके प्राप्त की है और अपनी एम फिल की डिग्री इन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडी सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो प्राप्त की है और इन्होंने कॉलेज के भंगड़ा तो गिद्धे की टीम के इंचार्ज भी हैं इन्होंने अगुवाई में इन्होंने टीम ने 4 बारी नैशनल लैवल से फस्ट पोजिशन हासिल की है बहुत सारे पेपर इन्होंने जोड़े वो पबलिश हो चुके हैं
सरदार बेगम सिंह जी,